केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सरकार आने वाले 15 दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर फैसला ले सकती है। कर्मचारियों को इस समय महंगाई भत्ते डर्नस अलाउंस यानी डीए पर सरकार के फैसले डीए हाइक का बेसब्री से इंतजार है। अब जल्द ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों का यह इंतजार खत्म होने वाला है। अगर हम अब तक के पैटर्न को देखें तो होली तक डीए डब पर फैसला सामान्य आ सकता है। माना जा रहा है कि 1 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में डीए में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल जाएगी। इसमें जनवरी और फरवरी 2 महीने का एरिया भी शामिल होगा। होली से पहले होती है घोषणा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को साल 2023 की पहली छमाही के डीए का इंतजार है। अगर हम अब तक के पैटर्न को देखें तो सरकार पहली छमाही के लिए महंगाई भत्ते पर फैसला होली से पहले करते आई है। हालांकि कोरोना महामारी का समय इसमें अपवाद है। उस समय सरकार ने डीए रोक दिया था। इस तरह यह पैटर्न बताता है कि सरकार होली से पहले पहली छमाही के महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है। इस साल होली 8 मार्च को मनाई जाएगी। इस तरह आने वाले करीब 15 दिनों में डीए पर सरकार का फैसला आ सकता है। डीए के साथ ही पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत डॉक्टर की भी घोषणा होती है। महंगाई को देखते हुए बढ़ता है भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान महंगाई इन्फ्लेशन को देखते हुए होता है। सरकार द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए जाते हैं। ये आंकड़े श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो जारी करता है। इसी महंगाई के आधार पर डीए में बढ़ोतरी का फैसला लिया जाता है। कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता? ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार को देखते हुए इस बार डीए में 4.23% का इजाफा बनता है। सरकार राउंड फिगर में डीए बढ़ाती है, ऐसे में इस बार महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा होना चाहिए। अभी डीए 38% है, 4% बढ़ने पर यह 42% हो जाएगा। डीए में होने वाली यह बढ़ोतरी इस साल की शुरुआत से यानी 1 जनवरी 2023 से लागू होगी।